हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो रीडिंग है वो नो कांटेक्ट के ऊपर है। नो कांटेक्ट में आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करें, तो देखते हैं नो कांटेक्ट में आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है आपके लिए। वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज के लिए। और चलिए देखते हैं आपके पर्सन क्या करेंटली फील कर रहे हैं नो कांटेक्ट में। अपने पर्सन के नाम को दोहराते रहिए या फिर आप अपने पर्सन के बारे में सोचते रहिए क्या फील कर रहे हैं वो आपके लिए। हम देखते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन उनके लिए क्या सोच रहे हैं। एट ऑफ स्पेड, सिक्स ऑफ स्पेड। नो कॉन्टैक्ट में आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं। एस ऑफ स्पेड, आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं। टेन ऑफ क्लब्स, आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं। नाइन ऑफ क्लब्स, आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं। सेवन ऑफ हार्ट, तो आपके पर्सन जेमिनी लिब्रा एक्यूरस कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीज एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकते हैं। आप लोग के बीच में जो मेन प्रॉब्लम है नो कांटेक्ट का वो है फिजिकल डिस्टेंस। एक दूसरे के साथ फिजिकल डिस्टेंस होने की वजह से ये पर्सन मजबूर हैं जो आपके साथ रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए जो वो एफर्ट कर सकते हैं वो मजबूर है क्योंकि आप दोनों के बीच में फिजिकल डिस्टेंस है। हो सकता है आप लोग अलग अलग स्टेट, अलग अलग कंट्री या किसी भी तरीके से फिजिकल डिस्टेंस है, कोई रेस्ट्रिक्शन है जिसकी वजह से डिस्टेंस आप दोनों के बीच में बना हुआ है। देखिए आपके पर्सन जो है इमोशनली भी आपसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं पर ऐसा लगता है नहीं कर पा रहे हैं। इनको जब भी आपसे मूव ऑन करने के बारे में सोचते हैं तो ऐसा लगता है जैसे एक इमोशनल डिस्टेंस वो बना नहीं पाते हैं। कुछ टाइम के लिए आपसे इमोशनली ये डिस्टेंस हो जाते हैं फिर दोबारा उनके दिल में वही फीलिंग्स आने लगती है। देखिए यहाँ पर एस ऑफ स्पेड भी है। इस पर्सन के माइंड में आप बहुत ज़्यादा रहते हो और ये हमेशा आपको आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसको सेकंड चांस देने के बारे में सोचते हैं। तो बहुत ज़्यादा माइंड का यहाँ पर भी है। एस ऑफ स्पेड, सिक्स ऑफ स्पेड, एस ऑफ स्पेड आया है, मतलब आपके बारे में बहुत सोचते हैं ये पर्सन। ठीक है, माइंड में आप हमेशा इनके रहते हो और इनको ऐसा लगता है सेकंड चांस को लेकर जो दोबारा जो वो सोचते हैं रिलेशनशिप को ठीक करने के बारे में, तो वो सोच के इनको एनजाइटी स्ट्रेस भी हो जाता है कि कैसे होगा, इतनी दूरियों के बाद कैसे होगा, कहीं आप तो मूव ऑन नहीं कर गए हो, कहीं आपने ही इमोशनली डिस्टेंस तो नहीं बना लिया है। तो ऐसे आपके पर्सन के दिल में फीलिंग्स चल रही है। तो देख लेते हैं और नो कॉन्टैक्ट में आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट में आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट में मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट में क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन उनके लिए। पहला कार्ड यहाँ आया है थ्री ऑफ वैंड्स, एरीज लियो और सेजिटेरियस। क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन। टेम्परेंस, नो कांटेक्ट में आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। टेन ऑफ वैंड्स, आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर। एस ऑफ वैंड्स, आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर। हरमिट, देखिए आपके पर्सन यहाँ पर मून एंड ऑफ द डेक आया है। आपके पर्सन के दिमाग में इस वक्त थोड़े नेगेटिव थॉट्स हैं जो कि प्लेइंग कार्ड्स में भी नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है इनके दिमाग में। हो सकता है चीज़ें जो आप दोनों के बीच में हैं उसको लेके आपके पर्सन इस वक्त क्लियर नहीं है। उन्हें इमोशनल है आपके लिए पर इमोशनली स्ट्रेस्ड भी हैं। देखिए आपसे आपके साथ ऐसा लगता है मुझे अपने लाइफ में भी ये पर्सन इस वक्त बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पर्सन किसी बहुत हैवी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं इस वक्त
और हो सकता है इनके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, जिसकी वजह से ये आगे आपके तरफ बढ़ना भी चाहे तो बहुत ज़्यादा ये स्लो प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां ले रहे हैं और वो इन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए ऐसा लग रहा है कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। वो अपने लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसलिए ये पर्सन इस वक्त अपने आप से दूरियां बना के रखे हुए हैं। और दूरियां बनाने का रीज़न इनके लाइफ के पर्सनल प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। हालांकि ये पर्सन आपके बिना बहुत अपसेट, अकेले से फील करते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, पर बहुत ज़्यादा ये पर्सन स्लो है और जिसकी वजह से ही स्लो है, या उनको लगता है कि आप जो हो आप इनिशिएटिव नहीं लेते हो, आप स्लो हो, ऐसा भी सिचुएशन है। पर जो भी सिचुएशन है, अभी आपके पर्सन को आगे का रास्ता नहीं नज़र आ रहा है। जैसे मैंने कहा, सेकंड चांस देने के नाम से आपके पर्सन को एक एनजाइटी स्ट्रेस सा हो जाता है, ऐसा नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर है एस ऑफ सोर्ड, हाई प्रिस्टेस, फोर ऑफ सोर्ड, थ्री ऑफ सोर्ड और टेन ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसकी वजह से ये पर्सन अभी इस रिलेशनशिप को, आपके साथ रिलेशनशिप जो है उसको इग्नोर कर रहे हैं। देखिए, आप लोग दोनों के बीच में ऐसा लगता है कि अभी बिल्कुल नो कांटेक्ट है और ये जो पर्सन है, इनके दिल में जो भी दुख है सिचुएशन को लेकर, वो ओपन नहीं है। वो ओपनली किसी से भी ये ना डिस्कस करते हैं, ना आपको बताते हैं, ना किसी और को ही पता चलने देते हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच में फैमिली और या फाइनेंशियल इश्यूज हैं जिसकी वजह से भी ये पर्सन इस वक्त आपसे बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें इस वक्त वक्त चाहिए। ये अपने हो सकता है लाइफ के किसी सिचुएशन से खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी इनके पास वो क्लैरिटी नहीं है, इनको सब कुछ जो है फ्यूचर इस वक्त नहीं दिख रहा है। तो अभी इनके तरफ से ऐसा लगता है कि ये सोचते हैं आपके बारे में बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए सोर्ड्स के कार्ड कितने हैं, मतलब सोचते हैं आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा, पर जो है आपको इग्नोर नहीं कर पाते हैं, आपको इग्नोर करते हैं। तो ठीक है, फिर भी इग्नोर करने के बाद भी इन्हें आपकी बहुत ज़्यादा याद आती है। ठीक है, ये सिचुएशन से भागने की इस वक्त कोशिश करते हैं, पर कहीं ना कहीं ये बहुत सैड हैं, बहुत अकेलापन सा फील करते हैं। पहला कार्ड है मून, यहाँ पर है एम्प्रेस, डेविल, टावर और यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स। एंड ऑफ द डेक है किंग ऑफ वैंड्स। देखिए, मुझे आपकी फीलिंग्स ऐसे नजर आ रही है कि आप दोनों के बीच में कोई ऐसा पर्सन है, हो सकता है कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है, या फिर हो सकता है इस पर्सन की मदर है, जिसकी वजह से ये आपके जो पर्सन की जो मदर है या कोई जो भी थर्ड पर्सन है, ऐसा लगता है कि आपको भी ये एहसास होता है कि ये जो थर्ड पार्टी है बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आपके पर्सन के ऊपर डाल रही है या डाल रहा है। मतलब आपके बारे में बहुत नेगेटिव नेगेटिव आपके पर्सन के दिमाग में डाल रहे हैं और उसी की वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ, उसी के वजह से रिलेशनशिप में इतने सारे प्रॉब्लम्स आए। इस वक्त आप जो हो ऐसे सिचुएशन में हो कि आप इस पर्सन को चाहते हो, इस पर्सन को अनकंडीशनल लव करते हो, पर कहीं ना कहीं आप भी अपने मन में एक अनसर्टेनिटी फील करते हो। ठीक है, कि ये पर्सन अभी भी आपको चाहते हैं या इन्होंने पूरी तरीके से ब्रेकअप कर लिया है। देखिए, आप इनको यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे सोचते हो कि आप इस पर्सन को एक स्टेबल पर्सन की तरह मानते हो, जो कि आपको अपने लाइफ में स्टेबिलिटी दे सकते हैं, फाइनेंशियल, फिजिकल, मतलब जिसके साथ आप अपना घर बसा सकते हो, इस तरीके के पर्सन
के तरह आप देखते हो। आप पूरी तरीके से इस पर्सन के लिए डिवोटेड हो, पर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। ये पर्सन आपको कई बार हो सकता है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी इन्होंने दिया है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको मेंटली फिजिकली अब्यूज़ भी किया है, जिसकी वजह से भी आप दोनों के बीच में ब्रेकअप आया है। इस वक्त आपके फीलिंग्स भी मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा नेगेटिव से है आपके फीलिंग्स इस पर्सन को लेकर, ठीक है। और अभी ऐसा लग रहा है मुझे कि आपको लगता है कि आपके पर्सन का भी फोकस इस वक्त आपके तरफ नहीं है, और वो जो है वो किसी दूसरे पर्सन की वजह से इस तरीके का आपके साथ बिहेव कर रहे हैं। इस तरीके का रिएक्शन आप अपने पर्सन से उम्मीद नहीं करते थे, पर ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको बुरी तरीके से बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया है। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं आपको? आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? पहला कार्ड है आई हैव मैनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज अदर देन लव। आपके पर्सन बोलना चाहते हैं कि उनके ऊपर और भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है प्यार के अलावा, जिसकी वजह से ही आप दोनों के बीच नो कॉन्टेक्ट है। आई विल हील ऑल योर पेन। आपके पर्सन हो सकता है अपने किसी लाइफ के पेन को हील करने की कोशिश करें, या फिर वो ये बोलना चाहते हैं कि उन्होंने जो भी आपको तकलीफ दे रहे हैं इस वक्त आपके पर्सन वो हील कर देंगे इन फ्यूचर। माई सेंसेस स्टॉप वेन आई सी यू, माई आईज आर फिक्सड ऑन यू। आपके पर्सन ये भी बोलना चाहते हैं कि आप उनके लिए बहुत खूबसूरत हो, जब भी वो आपको देखते हैं तो उनकी आंखें जैसे टिक जाती है आपके ऊपर। आई वॉन्ट टू हग यू, आपको गले लगाना चाहते हैं आपके पर्सन। आई वॉन्ट टू मेक लव विथ यू, बहुत ज़्यादा आपसे फिजिकल अट्रैक्शन फील करते हैं, फिजिकली इंटीमेट इंटीमेसी के बारे में सोचते हैं। वाई यू इग्नोर मी नाउ डेज, आपके पर्सन बोलना चाहते हैं कि आजकल आप उनको क्यों इग्नोर करते हैं, वो ये जानना चाहते हैं। आई हैव एडजस्टेड इन माई लाइफ विदाउट यू, आपके बिना आपके पर्सन ने अपने लाइफ में एडजस्ट कर लिया है इस वक्त। आई क्राई इनसाइड ऑफ मी, ठीक है, अंदर दिलो दिल में रोते रहते हैं, बाहर नहीं दिखाते हैं। समटाइम्स आई फील यू डोंट लव मी, ठीक है, उनको लगता है कि आप ही उन्हें अब प्यार नहीं करते हो। दिस कनेक्शन गिव्स मी हार्ट प्लेजर। आपके पर्सन ये भी बोलना चाहते हैं कि आपके बारे में सोच के पर आपके पर्सन के दिल में बहुत ज़्यादा जो है एक प्लेजर, एक खुशी मिलती है, ठीक है। आपने जो भी मोमेंट्स साथ में बिताया था, आपके पर्सन वो सारी चीज़ें इमेजिन करते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन से फिजिकली भी बहुत अट्रैक्शन फील करते हो। और देखिए, वी कैन टॉक विदाउट वर्ड्स, आप लोग बिना वर्बली बातें किए हुए भी एक दूसरे से टेलीपैथिक वे में बात कर लेते हो, एक दूसरे की फीलिंग्स आप दोनों समझ जाते हो, ठीक है। अब आपके लिए गाइडेंस लेते हैं कि इस वक्त आपको क्या सरेंडर करने की ज़रूरत है। एंजल्स प्लीज गाइड मी, मेरे व्यूअर्स को इस वक्त क्या सरेंडर करने की ज़रूरत है, मेरे व्यूअर्स को इस वक्त क्या सरेंडर करने की ज़रूरत है। सरेंडर कॉम्प्रोमाइजिंग सॉरी सरेंडर कंपेरिजन्स विथ अदर पीपल, ठीक है, और कीप योर आईज ट्रेंड ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन योर ओन स्ट्रेंथ अट्रैक्टिवनेस एंड पावर। आपको एंजल्स बोलना चाहते हैं खुद को दूसरों से कंपेयर मत करिए, आप बहुत यूनिक हो, आपको सबको गॉड ने स्पेशली बनाया हुआ है, सब में कुछ ना कुछ अलग खूबियां हैं। तो आपको एंजल्स यही बोलना चाहते हैं कि अपने तरफ आप फोकस रखिए, आपके क्या क्या स्ट्रेंथ है, आप कितने अट्रैक्टिव हो, ठीक है, आप उसमें ध्यान दीजिए, आप दूसरों से खुद को कभी भी कंपेयर मत कीजिए, ये आपको एंजल बोलना चाहते हैं। कंपैरिजन मत करिए किसी और के साथ। और आपको क्या एंजल बोलना चाहते हैं, क्या आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है, मेरे व्यूअर्स को क्या सरेंडर करने की ज़रूरत है इस वक्त? मेरे व्यूअर्स को क्या सरेंडर करने की ज़रूरत है?
सरेंडर आउटडेटेड बिलीव्स अबाउट योर सेल्फ, लेट गो ऑफ लिमिटिंग आइडियाज अबाउट योर सेल्फ दैट ऑरिजिनेट फ्रॉम द पास्ट, देन यू कैन ओन योर पावर एंड सोर इन योर लाइफ। तो एंजल्स बोलना चाहते हैं, ऐसा लगता है कि आपने अपने बारे में ही कुछ थॉट्स बना के रखे हैं, आप अपने कमियों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, पर ऐसा नहीं है, आप में कोई भी कमी नहीं है। देखिए यहाँ पर भी एम्प्रेस कार्ड को कवर करता हुआ मून और डेविल आया है जो आपकी एनर्जी में आया है। तो आपको लगता है कि आप इतने, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप में वो क्वालिटीज़ नहीं है जो आपके पर्सन इसलिए आपसे अट्रैक्टेड नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। आपके पास्ट की जो भी बातें हैं उनको भुला के, ठीक है, खुद को लिमिट मत करिए, भुला दीजिए पास्ट की चीज़ों को, और जो कि आपके पास्ट से ओरिजिनेट होते हैं, हो सकता है पास्ट में कुछ ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से आपके दिल में वो बैठ गया है, पर अभी समय के साथ आप चेंज हो रहे हो और आपके अंदर वो पावर है कि आप अपनी लाइफ को और आगे बढ़ाते रहो। पॉजिटिव थॉट्स अपने अंदर रखिए, खुद को किसी से भी कम मत सोचिए, ठीक है। एंजल्स आपको ये बोलना चाहते हैं, आप अपने आप में एक यूनिक हो, अलग हो सबसे, आप ये याद रखिए। तो ये थी आज की रीडिंग, होप आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और अपने व्यूज़ ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।